हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई 6 जनवरी का तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे मिले हैं जीके मैथ रीजनिंग के। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे उसकी मैंने वीडियो अपलोड पहले ही कर दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ हर एक शिफ्ट की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आता रहूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। देखें, यहाँ पे एक इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एक्चुअल में मुझे इमरजेंसी का रिलेटेड का क्वेश्चन का पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो तीनों इमरजेंसी मैं आपको बता देता हूँ। तीन तरीके की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यहाँ पे पहली है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है और स्टेट इमरजेंसी 356 में है। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया और सिटी थी गोल्ड कोस्ट, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में, ये क्वेश्चन आपका था। एक था अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कार्यभार कौन संभालेगा, तो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेगा वो कार्यभार संभालेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो सांसदीय प्रणाली जो है ये आपकी इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट में मैंने कवर करा रखे, जो रात का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो अगर आप उसको डेली लगाते हैं तो जीके का पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। बहुत सारी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। रीजनिंग के भी दे दूंगा प्लेलिस्ट पूरी, मैथ की भी और ऑनलाइन टेस्ट की भी, उनमें से देखिएगा लगा के कि किस लेवल तक क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक है आपका सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका एस्क है, तो ये आपका लोहे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था, तो एक ये क्वेश्चन था, एक्चुअली इसका आंसर नहीं पता, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी ऑप्शन देख के लगाया जा सकता था राइट आंसर कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन था आपका फुटबॉल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कनाडा की राजधानी, तो ओटावा, ये राइट आंसर हो जाएगा। एशिया कप किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए क्रिकेट और हॉकी दोनों से ही संबंधित है, तो ये भी आपका पूछा गया था आज। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का ही होता है, ये भी पूछा गया था। सेंट जॉर्ज स्टेडियम कहाँ पर है, चेन्नई में है, ये क्वेश्चन था आपका जो पूछा गया है। मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशियाई रिंगल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल में है, ये पूछा गया था, वेस्ट बंगाल में है। उकाई है, ये तीन नहीं है, उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी में पर है और ये गुजरात में है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे देखे दोस्तों जीके के कुछ क्वेश्चन, और ये तीनों शिफ्ट के मान लीजिए आप मिक्सचर है। और हाँ, ये मैं आपको पहले बता दूं कि आरपीएफ एसआई का जो 20 टेस्ट थे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, ये 199 रुपये से घटा के इस पर 50 रुपये का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि सर टेस्ट तो हमें लगाने हैं बट महंगे हैं, तो 50 रुपये का और डिस्काउंट कर दिया, अब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, 150 रुपये में है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका भी एग्जाम बचा हुआ है तो बिल्कुल भी सोचिए मत, प्रिपरेशन अगर अच्छे से है तो टेस्ट लगा लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप आने के बाद में ये नहीं बोलेंगे कि सर टाइम की कमी थी, क्योंकि 20 टेस्ट लगाने का मतलब है कि आप 20 एग्जाम पहले से दे दिए और 21वां आप देने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस कोड का यूज़ करिएगा अगर आपको डिस्काउंट लेना है 50 रुपये का। तो अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में वही आपका कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होंगे, मिरर इमेज के हो गए, वोटर इमेज के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग होगी, सीरीज हो गई, क्लोक हो गया, वोटर इमेज, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये मतलब वही नॉर्मल सा जो कुछ पूछा जा रहा है हर बार वही रिपीट है, तो इसलिए मैंने टॉपिक नहीं लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन की एक सीरीज थी AIBJCKDL, इस तरीके से सीरीज थी। यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, यानी कि DL, ये तो मैंने बता दिया आंसर, यहाँ पे आना क्या था ये बताना था। तो A से B, B से C और C से D,
तो यहाँ पे तो डी आ गया और यानी कि प्लस वन चल रहा है। आई से जे, जे से के और के से एल हो जाएगा, तो ये भी प्लस वन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तो यहाँ पे डी एल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक सीरीज थी आपकी 37.5, 7.5, 1.5 और नेक्स्ट आपको बताना था, सॉरी ये 1.5 बताना था, ये बीच में मिसिंग था। तो यहाँ पे ये 1.5 कैसे आ रहा, 37.5 को 5 से डिवाइड किया तो 7.5 आ गया, 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया था ये वाला, यहाँ पे आना था 1.5, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है भाई, देखिए रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं और ना ही मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाते हैं, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आप उन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। एनालिसिस तो वही है, एनालिसिस वही है, बिल्कुल आसान सा पेपर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ के बताए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, बताए जा रहे हैं कि सारे करने लायक क्वेश्चन है। जीके का पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, बाकी आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो आप इजीली कर सकते हैं, टोटल अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा पेपर आपका आ रहा है। एक था इंटेलिजेंसी का, आपको पूछा गया था वोटर इमेज, तो इंटेलिजेंसी में आपका आई वैसे ही रहेगा, एन का आपको चेंज कर देना है, टी आपका देखिए इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको ये हर बार बता चुका हूँ कि क्यों ऐसे करते हैं, ई को वैसे ही कर देना है, एल आपको ऐसे कर देंगे, जी ई ये सब कुछ आप कर ही लेंगे, तो इंटेलिजेंसी का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका कथन निष्कर्ष से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, सभी पेपर लकड़ियाँ हैं, कुछ लकड़ियाँ सॉरी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हैं और कुछ लड़कियाँ धातुएँ हैं और सभी धातुएँ ग्लास हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से बनाना है, सभी पेपर लड़कियाँ हैं तो पेपर वाले को आप कवर करेंगे लड़कियों से, तो सभी पेपर आपके लड़कियाँ इस तरीके से कवर हो जाएंगी। कुछ लड़कियाँ धातुएँ हैं तो कुछ लड़कियाँ आपके धातुएँ कब किस कंडीशन में होगी, जब हल्का सा इस तरीके से कट लग के आ जाएगा, और सभी धातुएँ ग्लास हैं तो सभी धातुएँ आपके ग्लास कब हो जाएंगी, जब धातुओं के ऊपर को आपका इस तरीके से ग्लास का वेन डायग्राम आ जाएगा। तो कंडीशन क्या क्या थी इसमें, निष्कर्ष क्या क्या थे, अब देख लेते हैं उनको। पहला था कि कुछ ग्लास लड़कियाँ हैं, तो कुछ ग्लास लड़कियां किस कंडीशन में हो सकते हैं, देखिए आपने ये लड़कियों को वाला वेन डायग्राम है और यहाँ पे एक ग्लास वाला वेन डायग्राम है, तो कुछ लड़कियां ग्लास हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं भाई, जैसे इस तरीके से इसमें कट हो लग रहा है, तो पहला राइट हो जाएगा। दूसरे वाला है कुछ ग्लास धातुएं हैं, तो बिल्कुल कुछ ग्लास धातुएं भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी धातुएं जब ग्लास हो सकती हैं तो कुछ ग्लास भी धातुएं हो सकती हैं, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये हो गया आपके आपके कुछ क्वेश्चन इसके। अब एक क्वेश्चन ये था आपका ट्रेन से कि यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आपको बतानी थी, तो देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियाँ समान दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतः एक मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक ही दिशा में जा रही है, इससे आप क्या समझते हैं, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, दोनों की चाल जो होती है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ को आते हैं तो दोनों की चाल को हम प्लस कर लेते हैं। अब इन दोनों की चाल जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की वो मीटर में दे रखी है। तो 54 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा, 18 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आपका ये स्पीड आ जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गई आपको। टाइम यहाँ पे दे रखा है कि एक मिनट में पार करते हैं, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में पार करते हैं। जब मीटर पर सेकंड की बात की जा रही है तो टाइम भी आपका सेकंड में आएगा, मिनट में नहीं आएगा। तो 60 बराबर क्या होगा, 125 प्लस L2 यानी कि लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आपको निकालनी है। स्पीड आपको पता चली गई, दोनों के रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 60 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 56 30, तो 300 ही आपके हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 125 प्लस L, तो L2 कितना निकल के आएगा, 300 में से 125 माइनस कर देंगे तो 175, यानी कि जो सेकंड वाली ट्रेन की लंबाई है वो 175 मीटर है। यही आपसे पूछा गया था कि कितनी लंबाई है सेकंड वाली ट्रेन की। ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन था यानी कि लंबाई निकालने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिजिट सेम थी बिल्कुल ऐसी, बट उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी थी। ठीक है भाई, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब वही कंडीशन है, यहाँ पे अगर एक चीज़ को मिस कर दिया जाए, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को या लेंथ ऑफ ट्रेन को मिस कर दिया जाए, तो आप इसको निकाल सकते हैं वैसी जैसे ऊपर था अब, बट यहाँ पे आपको निकालना है टाइम।
तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को दोनों को प्लस करेंगे और स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर देंगे। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, बट ध्यान रखिएगा ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की वो मीटर में दे रखी है और पुल की भी लंबाई मीटर में है, तो इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। सबसे पहले 66 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो एक किस तरीके से जाएगा, 3 से कट किया तो 6 बार गया, ये गया 22 बार, फिर ये 2 से कट किया 3 बार, ये गया 11 बार, तो कितना हो गया 55/3, तो ये आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, 110 प्लस 165 को 55/3 से भाग कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 3 ऊपर गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 215, दोनों को प्लस कर लेंगे 110 प्लस 165, तो 215 गुणा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 55, तो ये आपका चला जाएगा कितनी बार भाई, 5 बार, ये चला जाएगा 5 × 15, ठीक है, तो 15 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से, रेशो दे रखा था ए और बी का 6:4, बी सी का रेशो था ये वाला 8:8 और ए बी सी का पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत पहले आपको कवर करा दिया था, रिवीजन में भी करा दिया था कि कैसे करना होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको करना कैसे, ए बी को पहले वैसे लिख लेना 6:4, बी सी को वैसे लिख लेना 8:8, और यहाँ पे उल्टा एन ट्रिक मैंने क्या बताई थी, उल्टा एन बनाना है, बस आपको उल्टा एन बनाती है आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 × 8 में करेंगे, 8 × 4 में करेंगे और 4 × 8 में कर देंगे, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा ए बी और सी, ठीक है भाई। 6 × 8 में करेंगे 48, 8 × 4 में करेंगे 32 और 4 × 8 में करेंगे 32, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 6:4:2, और इसको भी कट कर देंगे तो 3:2:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके के बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर आपको इनकी ट्रिक पता है, इनका कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आप वही टाइम लगाने वाले हैं इनमें जैसे लगाया जाता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16:2/3 का लाभ हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी क्वेश्चन में ये चीज़ दी जाए कि कितना लाभ कमाया जाए और किसी का भी प्राइस ना दिया हो, ना दूध का प्राइस दिया गया हो या फिर कोई और दूसरी कमोडिटी हो या कोई सा भी क्वांटिटी हो उनका प्राइस ना दिया हो, तो उस कंडीशन में आपको 1 रुपये मान लेना है। दूध का प्राइस कितना है, कितना है 1 रुपीज़ है, तो दूध का क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने 1 रुपया माना। अब 1 रुपया अगर इसका क्रय मूल्य है तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16:2/3% का लाभ हो जाए। तो ये 16:2/3 किसके इक्वल होगा, ये पानी के इक्वल होगा, इतना पानी मिलाया जाएगा। दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के लिए 16:2/3 का लाभ हो, तो यहाँ पे जितना लाभ ये बोल रहा है ना कमाने के लिए उतना पानी मिलाना है, क्योंकि दूध तो जितने में खरीदा था उतने में ही बेचना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 16:2/3 को मैं फ्रैक्शन से इसमें बदल लिया तो 50/3 मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1 बराबर 1 की तो वैल्यू 100% की होगी ना, तो 1/100 + 50/3 और इनटू कर देंगे 100 से, क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू बनानी है इसकी, तो इसको करेंगे ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा, तो 300/350, तो यहाँ पे आपका जो औसत मूल्य आ गया है वो 6/7, अगर आप 6/7 में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 16:2/3। तो यहाँ पे मिल्क तो मैंने 1 रुपीज़ मान लिया था, वाटर हमेशा आपको एज्यूम करना है 0, यानी कि वाटर का कुछ प्राइस नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि वाटर के प्राइस होते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सोचेंगे कि यार वाटर के तो प्राइस होते हैं, तो ऐसे नहीं मानना है। मिल्क का प्राइस आपने 1 माना है तो वाटर का आपको 0 ही मानना है, चेक आप कहीं पे भी रहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही रूल है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो मिश्र वैल्यू रखनी है बीच में, आप ये मिक्सर एलिगेशन वाला लगा रहे हैं तो बीच में 6/7 ही आपको रखनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1/7 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6/7, तो यहाँ पे ये आपका रेशो आ गया 7 से, तो 7 हट जाएगा तो आपका रेशो आ जाएगा मिल्क और वाटर का 6:1। अगर आप इस रेशो में मिलाते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 16:2/3% का आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 15 है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, ये आपको बताना था। तो देखिए समीर और तनुज की वर्तमान आयु 8 और 15 है, तो 8x और 15x मैं लिख सकता हूँ, 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11 और 18 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा 9 प्लस इसमें करूँगा, तो कितना हो जाएगा 11 और 18 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 9 वर्ष के बाद वाला रेशो है तो भाई इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू में मैं 9 प्लस कर दूंगा ना, तो इस रेशो के इक्वल आ जाएगा। अगर आप ये इक्वेशन बनानी सीख जाते हैं तो बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, तो इन दोनों की बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी रह जाती है और आपका आंसर आ जाता है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की 8 में करेंगे 144x और 18 की 9 में करेंगे 162, 11 की 15 में करेंगे तो 165x और 11 की 9 में करेंगे तो 99
हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको सोल्व करिए, एक्स वालों को एक साइड में ले आइए तो 21x बचेगा और ये इस साइड में लेके जाएंगे तो ये 63 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 63 डिवाइड बाई 21, तो 3 आपकी आ गई x की वैल्यू। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 है तो बस आपको क्या करना है भाई, इनकी प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो ये आपकी आ जाएगी इसकी, और 15 में करेंगे 3 की तो ये आपकी आ जाएगी समीर और दूसरी तनुज की। तो इनकी दोनों की एज आपकी कितनी आ गई, 24 और 45। अब यहाँ पे कुछ और पूछा है आपका, उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 24 और 45 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 21 ईयर आएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF लेना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पर सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।